नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांकेर की बड़ी खबर के साथ, जहां कांकेर शहर के बीच दिन दहाड़े भालू पहुंचे, जहां शहर की घड़ी चौक के पास में भालू घूम रहे हैं। आपको बता दें कि शहर का व्यस्त मार्ग NH 30 पर सुबह से ही भालू घूम रहे हैं। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं राहगीरों में भी दहशत है। BSNL ऑफिस में भालू घुसे, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई और सूचना के बाद में वन विभाग मौके पर पहुंचा है। तो कांकेर से आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर भालू घूमते हुए देखे गए हैं बीच शहर में, और इसी के चलते राहगीरों के साथ ही साथ आसपास के जो रहवासी हैं उनमें भी भय का माहौल है। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है और जानकारी के बाद में वन विभाग मौके पर पहुंचा है। तो देखा जाए तो कांकेर में ऐसी भी पहले भी घटनाएं आ चुकी है, जहां पर भालू दिन दहाड़े घूमते हुए नजर आए हैं और उसी के चलते वन विभाग सजग होते नजर आया, उसके बाद मौके पर वन विभाग पहुंचा है। तो कांकेर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां कांकेर शहर के बीच दिन दहाड़े भालू पहुंचे, जहां शहर के घड़ी चौक के पास में भालू घूम रहे हैं। शहर का व्यस्त मार्ग NH 30 पर सुबह से ही भालू घूमते नजर आए, जिसके बाद लोगों ने इसमें भय का माहौल है, तो वहीं राहगीरों में भी दहशत का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि BSNL ऑफिस में भालू घुसे, उसके बाद सूचना के बाद में वन विभाग मौके पर पहुंचा है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता टोकेश्वर जुड़ चुके हैं। टोकेश्वर, कांकेर से खबर सामने आ रही है जहां पर भालू दिन दहाड़े घूमते हुए नजर आए हैं, वन विभाग का अमला वहां पर पहुंच गया है, क्या कुछ वन विभाग कर रहा है अपनी ओर से? हाल ही अभी सुबह का है और ये जो है कांकेर के घड़ी चौक में स्थित जो BSNL ऑफिस के जस्ट बाजू में एक ग्राउंड है, उसमें जो है तीन भालू जो है, दो सावर के साथ एक मादा भालू जो है वहाँ पर घूमते हुए सुबह से ही नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो है आसपास के लोगों ने वन विभाग की टीम को जो है इसका सूचना दिया है, तो वन विभाग की टीम जो है और उसके जो गार्ड जो है वहाँ पर मौजूद है और वो जो है अपने तरफ से जो है भालू को जंगली क्षेत्र में ले जाने के लिए मशक्कत कर रही है। जी, देखा जाए तो कांकेर में ऐसे भी पहले कई बार भालू घूमते हुए पाए गए थे, तो क्या वन विभाग ने इसके लिए कोई व्यवस्था करके नहीं रखी थी, क्योंकि ऐसे में कोई हानि भी हो सकती है, क्योंकि लोगों में भय का माहौल है? जी, बताना चाहूंगा, कांकेर जो है चलता फिरता भालुओं का अड्डा बन चुका है, क्योंकि आज भी जो है कांकेर में भालू जो है रहवासी इलाकों में घुसते हैं, घरों में घुसते हैं, आस पास में मुर्गी हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनके घरों में क्षतिग्रस्त करते हैं जी। और जो कांकेर है भालुओं का जो है पूरी तरह से अड्डा बन चुका है और इस मामले में जो है वन विभाग की टीम जो है भालुओं को रहवासी इलाकों से दूर रखने के लिए नाकाम साबित हो रही है। लगातार जो है वन विभाग को सूचना दिया जाता है कि आसपास में भालू का वितरण है, आसपास में जो है भालू घूम रहे हैं और जो लोग हैं वो दहशत में हैं, आसपास नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी वन विभाग की जो टीम है लगातार इन पर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके जो नाकाम हो रहे हैं, इनके जो भी इन लोग जो है योजना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो भालुओं को जो है रहवासी इलाका से दूर रखने के लिए नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही भी सामने आती है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी है, उसके बावजूद भी वन विभाग कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी परेशानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया टोकेश्वर, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।